हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना वड़ा। साबूदाना वड़ा बिल्कुल नाश्ते में तो बनाया जाता ही है, इसे हम व्रत में फलाहार के लिए भी बना सकते हैं। इसमें सादा नमक की जगह सेंधा नमक लेंगे तो फलाहारी साबूदाना वड़ा बनके तैयार हो जाएंगे। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे 2 कप साबूदाना, इसे मैंने 3 घंटे पहले भिगो लिया था। साथ में लेंगे 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। उबले हुए आलू को छीलकर हम बारीक तोड़ लेंगे। इन्हें एकदम बारीक करना है आलूओं को, तो हमने यहाँ पर सारे आलू तोड़ के बारीक कर लिए हैं। अब यहाँ लेंगे भुनी मूंगफली दरदरी पिसी हुई 1 कप, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया, 1 चम्मच या स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। हम यहाँ व्रत के लिए बना रहे हैं इसीलिए सेंधा नमक ले रहे हैं। अब सारी चीज़ें मिलाकर इसका एक डो तैयार करेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं तो इसका एक तरीके का गूंदा हुआ आटा बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने गैस में कढ़ाई रख दी है ऑयल डालकर, और गैस का फ्लेम हाई कर दिया है। और जब तक ऑयल गर्म हो रहा है हम इस मिश्रण के वड़े बना लेते हैं। तो वड़े आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े जैसे बनाना चाहें उतना आप मिश्रण लें और उसे गोल करके ऐसे चपटा कर लें। अब इसे एक प्लेट में रख दें और इसी तरीके से बाकी के मिश्रण के वड़े बना लेंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, बस ध्यान रखिए कि उबले आलू ज़्यादा नहीं डालें, नहीं तो वड़े जो है अच्छे से बनेंगे नहीं। तो यहाँ मैंने 8-9 वड़े बनाकर तैयार करके प्लेट में रख लिए हैं। चलिए अब इसे तल लेते हैं। तेल गर्म हो गया है, उसको देखने के लिए हम ज़रा सा टुकड़ा अगर तेल में डालें तो तुरंत ये तैर के ऑयल के ऊपर आ जाना चाहिए। इसे निकाल लेंगे और ये तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके वड़े डालेंगे ऑयल में। जितने कढ़ाई में आसानी से तल सके उतने हम वड़े डालेंगे। वड़ों को अब हम तेज़ आंच पर सेकेंगे हल्का सुनहरा होने तक, और जैसे ही ये एक साइड सिक गया हो हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। वड़ों को हम पलटते रहेंगे जब तक कि अच्छे से सिक नहीं जाए दोनों ओर से। साबूदाना वड़ा को हमें तेज़ आंच पर ही तलना है, मीडियम या धीमी आंच पर नहीं। ये वड़े लगभग सिक चुके हैं और इन्हें तलने में कुल 6 से 7 मिनट लगे हैं हाई फ्लेम पर। ये सारे वड़े अब ऑयल में अच्छे से सिक चुके हैं। इसे अब हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी के जो वड़े हैं उसे भी तल लेंगे। ये साबूदाने वड़े हमने व्रत के लिए बनाए हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं कि इसे कभी भी इवनिंग में स्नैक के रूप में बनाकर खाया जा सकता है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। साबूदाने वड़े को दही या हरी चटनी के साथ परोसा जा सकता है। यदि आपको ये रेसिपी की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिए।